इंग्लिश 50 मार्क्स बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में कैरेक्टर स्केच आते हैं। तो चलिए कैरेक्टर स्केच में सबसे पहले हम सीखते हैं आज उरिया हीप के बारे में। तो उरिया हीप की कैरेक्टर स्केच आती है लिखने को इंग्लिश 50 में, शुरू करते हैं। उरिया हीप इज़ द निगेटिव कैरेक्टर ऑफ चार्ल्स डिकेंस नावल डेविड कॉपरफील्ड। उरिया हीप चार्ल्स डिकेंस की नावल डेविड कॉपरफील्ड में निगेटिव कैरेक्टर है, यानी इसे विलेन कह सकते हैं। उरिया हीप इज़ अ वेरी सेल्फिश एंड एम्बिशस पर्सन। उरिया हीप बहुत ही स्वार्थी और महत्वाकांक्षी व्यक्ति होता है जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है और अपने फ़ायदे की बात करता है। ही वॉज अ क्लर्क इन मिस्टर विकफील्ड्स ऑफिस एंड नो बडी लाइक्स हिम। उरिया हीप वह मिस्टर विकफील्ड की ऑफिस में किरानी के रूप में, क्लर्क के रूप में काम करता है और कोई भी व्यक्ति उसे पसंद नहीं करता है, क्योंकि वह हमेशा अपने फ़ायदे की बात सोचता है और दूसरों को वो नुकसान करता है, इसलिए उससे कोई भी लगाव नहीं रखता है। ही चीट्स मिस्टर विकफील्ड एंड अटेम्प्ट्स मेनी बैड एक्टिविटीज़ इन द ऑफिस। वह मिस्टर विकफील्ड जिसके ऑफिस में काम करता था उसे ठगता था, उसके साथ धोखा करता था और तरह तरह के बुरे काम उसके ऑफिस में करता था, जिससे उसका फ़ायदा तो होता था लेकिन ऑफिस का नुकसान होता था। ही हैज़ एन ईविल आइज ऑन हिज डॉटर एग्नीस एंड हर प्रॉपर्टी। उरिया हीप की नज़र, यानी उसकी बुरी नज़र थी उसकी बेटी, मिस्टर विकफील्ड की बेटी एग्नीस पर और उसके धन दौलत प्रॉपर्टी पर। मीनवाइल एग्नीस मदर डाइज एंड उरिया हीप वांट्स टू टेक बेनिफिट ऑफ दिस टाइम। इसी बीच होता है कि एग्नीस की माँ का देहांत हो जाता है और उरिया हीप इस समय का फ़ायदा उठाना चाहता है। ही रॉब्ड हर प्रॉपर्टी एंड मनी। वह उसके धन दौलत को हड़प लेता है। ही प्लॉट्स टू मैरी एग्नीस। वह कई साजिश करता है मैरी से शादी करने को, क्योंकि अगर एग्नीस से उसकी शादी हो जाती है तो उसकी सारी धन दौलत उरिया हीप अपने कब्जे में कर लेता। बट ही इज़ फाइनली एक्सपोज्ड एंड सेंट टू जेल। लेकिन वह पकड़ा जाता है रंगे हाथ और जेल भेज दिया जाता है। उसका ये गलत सोच सफल नहीं हो पाता है और उरिया हीप जेल चला जाता है। तो ये इंग्लिश 50 मार्क्स में उरिया हीप की निगेटिव कैरेक्टर है जो कैरेक्टर स्केच के बारे में आता है। आप इसे बार बार सुने और समझ जाए तो आप आसानी से एग्ज़ाम में लिख पाओगे। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।